माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो वो है नमक पारे की रेसिपी, जो कि सबकी फेवरेट है, बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट रेसिपी होती है। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, हर मौसम में ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार से खस्ता से नमक पारे कि ये कैसे बनाए जाते हैं, उसकी डो जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो देखिए चलिए मैं जो इसमें जो चीज़ें ली हैं वो मैं बताती हूँ क्या क्या लिया है। तो ये जो है ये मैंने 2 कप जो है, 2 मेजरिंग कप जो है मैंने मैदा ले लिया है, जो कि 250 ml का 1 कप है। तो इस तरह 500 ml हो गए, 2 कप 2 मेजर करके कप लिए हैं मैंने, तो 2 कप मैदे के ले लिए। तो चलिए बाकी चीज़ें मैं साथ साथ बताती हूँ और इसको रेडी कर लेते हैं इसकी डो। तो चलिए जो अपनी डो तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैं सबसे पहले जो मैदा है वो शामिल कर लूँगी, जो 2 कप मैदे करके मैंने मैदा लिया है, तो मैदे को मैंने शामिल कर लिया है। तो इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी वो देख लेते हैं। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने जीरे का ले लिया है, तो आप अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, अजवाइन भी कुछ लोग शामिल कर लेते हैं, लेकिन जीरे का जो टेस्ट है ना वो सफ़ेद जीरे का बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो सफ़ेद जीरे को मैं शामिल कर लूँगी। तो साथ ही इसकी जो और चीज़ जाएगी वो भी देख लेते हैं। तो वो है 1/2 टीस्पून इसमें नमक, 1/2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, तो उसको भी मैं शामिल कर लूँगी। अच्छे तरीके से बर्तन से हम निकाल लेंगे इसको, तो ये भी मैंने ले लिया है। तो साथ ही इसके जो और चीज़ आएगी वो देख लेते हैं। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी के ले लिए, आपने घी लेना, ऑयल नहीं लेना, क्योंकि घी से ये जो है ना खस्ता बनते हैं। तो घी को मैं शामिल कर लूँगी, जो कि 4 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। तो घी को अच्छे तरीके से शामिल कर लेते हैं, करके इसको जो है ना पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में सब चीज़ों को। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह जो है क्रैम्बल्स जो है बनने चाहिए, तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया इसको। तो अब जो पानी है वो आपने ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है। तो मैं एक मग में मैंने पानी ले लिया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो मैं बताती हूँ कि डो जो है इसकी कैसे रेडी करनी है। तो देखिए डो जो है इसकी मैं तैयार कर रही हूँ। इसकी डो आपने जो है ना इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी डो जो है ना आपने सख्त करनी है, हार्ड करनी है। इसकी डो जो है ना वो सॉफ्ट या नरम नहीं रखनी है आपने, इसकी डो को आपने सख्त ही गूंदना है। देखिए इसकी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये हार्ड ही रखी है मैंने, ये देखिए हार्ड रखी है, ये जो नरम नहीं है, बिल्कुल हार्ड है। तो इसके ऊपर मैंने जो है ना घी का हाथ लगा लिया अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो है ना एक सिकरी सी आ जाती है खुश्की सी, तो वो ना आए। तो इसको 5 मिनट का रेस्ट हम देंगे, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए देखिए इसको तकरीबन पड़े हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे जो है ना 2 हिस्सों में हम तकसीम कर लेती हूँ मैं। पहले इसे ऐसा से आपने ऐसे ना मसल लेना है 1 मिनट तक के लिए, इसको अच्छी तरीके से मसल लेना है। तो ये देखिए इनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। तो इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, तो इस तरह हम राउंड शेप में इसका पेड़ा सा बना लेंगे, पेड़ा सा बना लेंगे ऐसे। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो डो है ना आपकी सख्त हो, नरम। तो चलिए देखिए इसको अब बेल लेते हैं। इसको ना नीचे वाली तरफ आपने आटा जो है मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना, अगर ज़रूरत पड़े कि हमारी जो है ना वो चिपक रही है तो नहीं बेला जा रहा, तो फिर आपने ऊपर डस्ट कर लेना है, नीचे वाली साइड पे आपने डस्ट नहीं करना। तो देखिए ऐसा ऐसा करते हुए मैं रोटी को बेल लूँगी। तो चलिए देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है। तो ना तो ये आपने ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ये ज़्यादा पतली बेलनी है, तो दरमियानी सी रखनी है आपने। तो आप इसको कटिंग कर लेते हैं हम। आप किसी भी कटिंग बोर्ड से, पिज़्ज़ा कटर से भी कटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो मैं इसे छुरी की मदद से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए लंबाई में मैंने इसको कटिंग कर लिया। तो अब इसे मैं ऐसी जो है ना ऐसी कर लूँगी, बिल्कुल तकुनी सी शेप से मैं, जैसे ये होते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया, तो इसमें मैंने जो है ना ऑयल शामिल कर लिया है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। तो अब इसमें जो मैंने ये ऐसे कटिंग करके रखे हुए हैं मुख्तलिफ इस शेप में, तो इनको मैं आसानी से, ये देखें आसानी से उठाए जाते हैं। तो आसानी से आपने ऐसे करके उठाना है, तो उसमें शामिल कर लेना है। तो घी जो है वो आपका पहले जो है ना अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम शामिल कर देते हैं। पहले हम एक को शामिल करेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि घी का टेम्परेचर जो है वो ठीक है, उसके बाद हम बाकी शामिल करेंगे। चलिए देखिए घी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह मैंने एक प्लेट में सारे शामिल कर लिए हैं निकाल के। तो अब इनको एक एक करके हम उठाएंगे और शामिल कर देंगे। आप चाहें तो एक बार इकट्ठे भी सारे शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने शामिल कर दिए हैं दोनों, तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये कुक हो जाएंगे।
पहले आपने जो आँच है वो तेज़ रखनी है ताकि आयल हमारा जो है ना वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो उसके बाद जो है वो आपने आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि अंदर से भी कुक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से फूल के अच्छी तरीके से ऊपर को आ रहे हैं सारे हमारे नमक पारे, तो बड़े ज़बरदस्त से बने हैं बिल्कुल ही, जो चीज़ें मैंने डाली हैं नमक वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। देखो सारे मैं वन वन करते हुए सारे शामिल कर दूंगी। तो चलिए देखिए अब चमचे की मदद से इनको अच्छे तरीके से उलट पलट हम कर लेंगे, तो नीचे वाली जो साइड है वो भी ऊपर कर लेंगे ताकि वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो देखिए हमारे नमक पारे जो है वो रेडी हो चुके हैं, तो अब इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अब ये इस तरह मैंने टिश्यू पेपर रखा है एक प्लेट में, तो इसको निकाल लेती हूँ मैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से खस्ता से हमारे नमक पारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, तो सारे मैं निकाल लूँगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। बड़े ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए इस तरह हम जो दूसरे हैं और हैं वो भी शामिल कर लेंगे, उनको भी कुक कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सारे हम डाल लेंगे, ये देखिए सारे मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठे करके शामिल कर रही हूँ, तो बाद में बिल्कुल खुल जाते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते, सबको मैंने शामिल कर लिया है। तो इनको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे, भी कुक हो चुके हैं, तो अब इन्हें भी हम डिश आउट कर लेते हैं, तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे हम। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए दो टिप्स आप जहन में रखिएगा कि एक जो आपने जब इसकी डो तैयार करनी है तो उसको सख्त गूंदना है, और जब इसकी रोटी बेलनी है नमक पारे की शेप के लिए तो वो पतली होनी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार नमक पारे जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, आप भी बनाएं फैमिली को एंजॉय कराएं। चलिए अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी नमक पारे की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो अगली मज़ेदार सी वीडियो में रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।